बिरयानी हो या पुलाव, दोनों में ही चार चांद लगा देती है हमारी ये आज की रेसिपी, जिसका नाम है बिरिस्ता, जिसे कुछ लोग बिरयानी ओनियन या फिर फ्राइड ओनियन भी कहते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ एकदम रेस्टोरेंट वाला ट्रिक शेयर करूंगा, जिससे आपके प्याज एकदम ब्राउन और खिले खिले बनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एकदम जरूरी चीज बताता हूँ कि प्याज किस तरह काटना है। तो पहले तो हम प्याज के छिलके निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर प्याज के छिलके निकालने के बाद अब मैं आपको इसे काट के दिखा देता हूँ। तो पहले तो हम इसे बीच में से काट लेंगे। फिर बीच में से काटने के बाद हम प्याज को जूलियन कट कर लेंगे। प्याज को हम अक्सर इस तरफ से काटते हैं, लेकिन हमें जूलियन काटने के लिए प्याज को इस तरफ से काटना होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें प्याज को ज़्यादा से ज़्यादा पतला काटना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पतला कटेगा प्याज, उतना ही ज़्यादा अच्छा कलर और उतने ही खिले खिले बनेंगे बिरिस्ता। कटिंग आप धीरे धीरे ही करें, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन चलेगा, पर आप प्याज को ज़्यादा से ज़्यादा पतला काटें। प्याज को मैंने कितना पतला काटा है मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को कितना ज़्यादा पतला किया है। इससे थोड़ा सा मोटा रहेगा तो भी चलेगा। तो मैंने 8 से 10 प्याज काट लिए हैं। अगर आपको 6 से 7 पोर्शन के लिए बनाना है तो आप भी 8 प्याज तक ले सकते हैं। तो प्याज की कटिंग करने के बाद अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, लेकिन इसे फ्राई करने का भी एक अपना तरीका है। तो हमने एक बर्तन ले लिया है, अब आप चाहे तो कढ़ाई, पैन, जो चाहे आप वो ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 कप तेल। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है। अब हमें तेल को गर्म कर लेना है, लेकिन तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, तेल को हमें मीडियम ही गर्म रखना है। फिर तेल डालने के बाद हम गैस को चालू कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाता है, हम इसमें एक प्याज का टुकड़ा डाल के देखेंगे। जैसे ही प्याज कुछ इस तरह से पकना शुरू हो जाए, तब हम इसमें सारे प्याज डाल देंगे। मैंने अपने चैनल पे वेज बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी और पुलाव की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है। तो अगर आपको वेज नॉनवेज बिरयानी या फिर पुलाव की रेसिपी चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें एकदम जोर लगा के भी इसे नहीं चलाना है, बस हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है तो पकने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा, लगभग 8 से 10 मिनट। अगर आप गैस को हाई फ्लेम पे रख के पकाएंगे तो चांसेस है कि कुछ प्याज जल जाएंगे और कुछ प्याज कच्चे ही रह जाएंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज का रंग फिलहाल किस तरह का हो गया है। फिलहाल प्याज आपस में चिपक गए हैं, लेकिन फ्राई होने के बाद ये खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुका है। जैसे ही कुछ कुछ प्याज ब्राउन हो जाए, हम गैस बंद कर देंगे, और गैस बंद करके हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। क्योंकि जब प्याज एक बार ब्राउन होना शुरू होते हैं, तब इनका कलर फटाफट बदल जाता है, और तेल ऑलरेडी गर्म है इसलिए हमने गैस बंद कर दिया है। तो प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। जैसे ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, हम इसे तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि जब तक ये गर्म तेल में रहेगा तब तक इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा। फिर इसे गर्म तेल से निकालने के बाद हम इसे टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर पर रख देंगे। फिर टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर पर रख के हम इसे चम्मच की मदद से फैला लेंगे। हमें इसे ठंडा होने से पहले ही फैला लेना है, वरना ये आपस में चिपक जाते हैं। फिर इसे फैलाने के बाद अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।